प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हर युग में ऐसे लोग होते हैं, आज की बात नहीं, पहले भी होते थे। हर युग में वो कोशिश करते हैं कि कैसे रोका जाए, यहाँ कोई आता है या नहीं आता है, यहाँ ऐसा कभी किसी के लिए बंदिश नहीं हुआ। तो जिसको उन्होंने बुलाना है, और बहुत से लोग हैं जो कभी आए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ घर बैठे भी याद किया, तो वो शक्तियों ने कृपा कर देनी है, लेकिन वो उपाय छोड़ने पड़ते हैं। वो रास्ते जिससे वो कृपा रुकती है, हमने और क्या किया, वही रास्ता बताया जिससे कि वो कृपा आनी है। और जिस जिस चीज से वो रुकनी है, जो उन्होंने डरा के रखा हुआ था, वो डर खत्म किया। किसी का ये मंगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी, किसी के वो शनि दोष है, तो कोई काल सर्प दोष है, और ये सारे हमारे भक्तों के कहां चले गए? क्यों सारी शक्तियों की कृपा आनी शुरू हो गई? क्योंकि यहां डरावा और छलावा नहीं, उन शक्तियों की भी कृपा थी, शनि की भी कृपा थी और ग्रहों की भी कृपा थी, तो वो कृपा करने लगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो शनि एक शक्ति है, संपूर्ण शक्ति है, वो कृपा करते हैं हमारे भक्तों पर। उनको उपाय करने की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी पूजा करवाने की जरूरत नहीं होती, वो हर शक्ति कृपा वाली है। लेकिन जब उन पर उपाय किए जाते हैं, तब जरूर वो क्रोधित होते हैं। जब उनको उपायों में बांधा जाता है, जो दिन रात आप देखते रहते हो, और यहाँ क्या था, गरीबों को डोसा बांट दिया, तो उस पर एतराज हो गया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, खाए तो 1000 किलोमीटर दूर थे, तो यहाँ क्यों आ गए भाई, बीवी के लिए नहीं ले गया या गरीबों को नहीं खिलाए तो? क्योंकि ये कर्म है, इससे भी कृपा आती है। लेकिन उनको ये नहीं पता, वही बर्फी रहती है, वही रसगुल्ले रहते हैं, जो कि आदमी रोज खाता है वो मिठाई रहती है, और जब वो मंदिर में चढ़ जाते हैं तो प्रसाद बन जाता है। और ये यहाँ की सच्चाई है, क्योंकि वो शक्तियां हमेशा हर एक चीज देख रही होती है, कर रही होती है, और वो उनको कौन पार पाया है। जो सच्चाई है, जो भावना है, शक्तियां तो उससे चल रही होती हैं, और उन्होंने आज भी दिखा दिया है, इस कलयुग में भी दिखा दिया है कि वो कृपा कैसे होती है। और वो हर पल हर एक को देख रहे हैं, वो कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, वो सिर्फ एहसास होता है उस शक्ति का कि जो भटके हुए हैं वो रास्ता छोड़ दें और उस कृपा के पात्र बन जाएं। वो तो सब पर कृपा करते हैं, और वो सारे काम भी बनते हैं। जिनके इतने इतने साल नहीं काम बने, वो क्यों बनने शुरू हो गए? क्योंकि वो कृपा साथ जुड़ गई। वो उपाय नहीं थे, वो एक कृपा थी। जो कहते हैं कि 24 घंटे में ये हो जाएगा, अखबार पढ़ोगे सुबह से शाम तक, ये तो ऐसे कई लोग थे जो परेशान थे, और वो हमेशा कृपा करती हैं। जो हाथ भी जोड़ता है, जो जो किताबें आपने मंदिर में सजा रखी हैं, या जिन शक्तियों को आपने फोटो सजा रखा है, हमने सिर्फ यही एहसास कराया कि वो शक्तियां हैं, और मानते तो आप पहले भी थे, लेकिन जो उपाय साथ थे, जो भ्रमित कर रखा था, तो उसकी वजह से आदमी डर के मारे कई चीजें कर रहा था कि तुम्हारे ग्रह खराब हो गए। 4 दिन तक कईयों को कहते हैं ये मत करो, कईयों को वो मत करो, और हमारे भक्तों ने सब कुछ वो किया। तो वो शक्तियों की कृपा ऐसी नहीं कि वो किसी दिन में बन जाए, कोई दिन रहता है, कोई वार रहता है, तो वो शक्तियां हर पल हर समय होती है। हमने वही राह दिखाई जो सच्चाई है उन शक्तियों की, तो उन शक्तियों से कौन पार पा सका है? तो वो जैसे जैसे कोई चल रहा है, वैसे वैसे वो कृपा जा रही है, और जो गलत कर्म कर रहा है, उसका भुगतान तो उसी को ही करना पड़ेगा। जो लोगों की आहें लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि कोई सोना बेच के अगर उनके अंगूठियां पहन रहा है या उनके उपाय कर रहा है, कईयों ने घोड़े की नालें लगा रखी थी कि यहां से लाए हैं, उनके मकान बिक गए, तो ये सारा कुछ जब उन्होंने छोड़ा, हटाया, तब वो कृपा आनी शुरू हुई और उनके दिन बदलने शुरू हुए। तो हम ये चाहते हैं कि वो बीज ही ना रहे, कि हमारे भक्तों के मन में सिर्फ रहे तो वो सच्ची शक्तियों का, जो जिसको घर में सजा रखा है उसका मान करेंगे, तो हमेशा के लिए उनके लिए और उनकी आने वाली जनरेशन के लिए भी ऐसे रास्ते रहेंगे जहां सिर्फ कृपा ही कृपा होगी और बाबा का आशीर्वाद होगा, हर इच्छा भी पूरी होगी, और वो काम चाहे कोई कहीं भी बैठा रहेगा, वो बनते रहेंगे। कहाँ से आप आए? बिहार शरीफ।
नालंदा जिला सर। अच्छा, आपने कोई कैसेट रखी है, कैसेट प्लेयर जैसे होता है टेप चलाने के लिए? जी कैसेट है सर। हाँ जी सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसमें, कोई टेप खराब तो नहीं है जैसे उलझ जाती है या कुछ है? नहीं, कंप्यूटर में चलाते हैं सर जो है। हैं? वो सिस्टम में चलाते हैं सर, सिस्टम मेरे पास है। सिस्टम में चलाते हैं जी सर। बार बार टेप क्यों आ रही है, कोई पड़ी तो नहीं है या काफी समय से इस्तेमाल ना हुई? टेप पहले चलाते थे सर। कोई धार्मिक टेप तो नहीं है? एक सीडी मेरे पास था सर, वो चलाते थे तो रखा हुआ था, तो मंदिर में सर हम दे दिए उसको। पहले चलाते थे? जी हाँ सर, सीडी मेरे पास था, वो मंदिर में सर हम जो बहुत शौक था मंदिर में देने के लिए, तो शंकर जी के मंदिर पास में है, वही मंदिर में सर दिए हैं और उसी से भजन सर होता है, कभी कभी भजन सब सुना जाता है सर। आप एक टेप साईं बाबा का ले आना और कभी महीने में एक आध बार सुन लिया करो। जी सर। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई आप ये बताओ कि कभी किसी पीरों के स्थान पर गए थे? नहीं बाबा। ध्यान करके देखो, जैसे मजार, ऐसे रास्ते में जाते वक्त मजार तो कहाँ पर पड़ती है? रास्ते में जाते हैं, घर से निकलते वक्त, मार्केट जाते वक्त। क्या करते हो वहां पर निकलते हो? जय माता दी की बोलते हैं। रहते कहाँ हो आप? हमारा बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा यूपी में। क्योंकि एक नहीं, ये मजार नहीं, और ध्यान करो, एक और है कोई? हाँ है, मजार कई हैं, लेकिन जब यदि उस रास्ते से गुजरता हूँ तो जय माता दी की बोल कर जाता हूँ। कभी एक बार भी वहाँ गए कोई आपके घर से या आप? तो काफी छोटे थे तो कभी घूमने के लिए ऐसे मेला वाला लगता है तो गए। क्योंकि पीर आ रहे हैं भाई, बहुत वहाँ से रुका हुआ है। आप एक काम करना, सिर्फ किसी भी मजार पर एक अगरबत्ती का पैकेट एक बार चढ़ा देना, सिर्फ जो भी नजदीक हो। थैंक यू बाबा, इतना कर लो। बाबा जी हम 10 साल से बहुत परेशान हैं, सब कुछ था सब चला गया है, मेरे बेटे का काम नहीं चलता, हमने ऑफिस फर्नीचर का काम किया तो बिल्कुल कामयाबी नहीं मिल रही। आप ये बताओ कि गाय को कभी घास खिलाया? नहीं, घास नहीं खिलाया, रोटी खिलाते हैं। किस नियम से खिलाते हो? बस किसी ने, आपने बताया था पीछे आपका समारोह देखते थे तो आपने कहा गाय को रोटी खिलाया करो, तो कहाँ गाय को रोटी खिलाते हैं, फिर बेटे का हाथ लगवा के। ऐसा है कि रोटी खिला सकते हो, कभी कभी घास खिला दिया करो और अपने हाथों से खिलाना, तो ये काम भी बनने लगेंगे और कृपा भी आने लगेगी। मेरे बाबा क्या हो। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। कहाँ से आप आए? दिल्ली से बाबा। अपने नवरात्रे रखे? जी जी बाबा जी। कितने रखे? सारे बाबा जी। और माता का श्रृंगार कब चढ़ाया? अभी नवरात्रे में चढ़ाया था बाबा जी। लिपस्टिक चढ़ाई उसमें? जी।
क्योंकि आपकी लिपस्टिक बड़ी माता स्वीकार कर रही है जी, और कृपा रही है, इसी तरह चढ़ाते रहो जी। बाबा कोटी कोटी प्रणाम बाबा जी। निर्मल बाबा की जय। हाँ जी, कहाँ से आप आए? दिल्ली से जी। भाई ये केले क्यों आने शुरू हो गए हैं? कब खाए हैं और देखे कब हैं? सर हफ्ता 10 दिन पहले खाए थे, नवरात्रों में। नवरात्रों में खाए थे? हाँ जी। कितने खाए थे? एक ही खाया था। एक खाया था। हाँ। अब एक ही दर्जन लेना और गरीबों में बांट देना। ठीक है। और वैष्णो देवी कब गए? वैष्णो देवी सर 5 साल पहले गए थे बाबा जी। क्योंकि आपकी कृपा वहाँ से थोड़ी कमी आ रही है। ठीक है। साल में एक बार का नियम बनाओ और झंडे वाले 2 महीने में एक बार जाना शुरू करो। जी बाबा जी। तो ये कृपा। जय बाबा। निर्मल बाबा जी की जय। बाबा क्या बोलूँ बाबा, कुछ बोल नहीं पा रही, मेरे पास कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ चाहती हूँ पर कुछ नहीं कर पाती, मैं क्या करूँ जिससे रास्ते निकल जाए? कोई रास्ता नहीं है बाबा, सारे रास्ते बंद हैं। आप एक चीज बताएं कि आप काली के मंदिर कभी गए? हाँ। कब गए थे और कितना समय हुआ है? हो गए बाबा 2 साल के करीब। कहाँ पर? एक दिल्ली में जो कालका जी मंदिर है। इसके अलावा? हाँ एक मंदिर और है। हाँ जो अभी बोल रहे हैं जी। यहाँ कब गए थे? यहाँ हो गए 6 महीने हो गए, और अभी पीछे 1 महीने पहले गई थी तो वो मिले नहीं थे भगत जी, मतलब उनके दर्शन करने गए थे तो काली माता का मंदिर ही बंद था वो। ये बताओ कि वहाँ किस चीज के लिए गए थे, कुछ सोच कर गए थे? हाँ मैं, मेरी बहू मतलब कुछ दिन के लिए गुस्से में मतलब नहीं आ रही थी, तो मेरा बेटा बोला मम्मी वहाँ चले, मैंने कहा हाँ चलो। फिर दोबारा मैं गई थी तो फिर मैं ये बोल के आई थी माता रानी से, माता रानी मैं तुम्हारे कपड़े चढ़ाऊँगी, मैं चुंदरी भी लेके आऊँगी, और फिर मैं लेके गई भी थी और चढ़ा के भी आई, मगर मैं दोबारा बहू को ही लेके गई थी दर्शन करने के लिए तो नहीं मिले थे। अब ऐसा है कि माता के तो जाके माथा टेक देना, और बहू के लिए अगर कपड़े बनवा के देते रहते तो ये नौबत ही नहीं आती। अब ठीक कर लेना, कृपा आ जाएगी। कोई व्रत या पूजा जो भी? कोई ऐसी पूजा नहीं होती जी। जो नॉर्मल पूजा आप करते हो सच्चे मन के साथ, किसी का दिल नहीं दुखाना है, वही सबसे बड़ी पूजा होती है। बोलो निर्मल बाबा की जय। निर्मल बाबा की चरणों में शशत नमन। बाबा मैं रेखा ठाकुर इंदौर से आपके चरणों में सिर झुकाने आई हूँ। बाबा मैं फाल्मी को करती थी 1000 रुपए महीना मेरी इनकम होती थी, मैं उसमें से 10वंत 100 रुपए डालने जाती थी। मैं रोती थी बाबा कम से कम 500 रुपए तो मैं 10वंत निकाल सकूं। बाबा इन 6 महीनों में आपने, मैंने अभी LIC की एजेंसी ली है, इन 6 महीनों में आपने मुझे शतकवीर बनाया, मेरी DAP में फोटो लगवाई, और आज मैं 10 गुना 10वंत डाल रही हूँ। बाबा मेरे परिवार पे कृपा करो बाबा, मेरे पति जो काम कर रहे हैं उनको सफलता दिलाओ, कृपा करो बाबा कृपा करो। निर्मल बाबा के चरणों में मोहन सिंह अधिकारी सदा मेरे परिवार के सभी सदस्यों की कोटि कोटि बंधन। बाबा मैं 2010 से TV के माध्यम से जुड़ा था, मेरा यह 6ठा समागम है बाबा। मेरे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है बाबा, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं था, मैं 2010 में सेवानिवृत्त हो गया था बाबा। मैंने इंदौर समागम में मकान के लिए अर्जी लगाई थी बाबा, मुझे बहुत बड़ा मकान आपने दिया, 2 मंजिला मकान दिया, जिसका नाम मैंने निर्मल आवाज रखा बाबा, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर सब पर कृपा करना बाबा। पिछले महीने बाबा मैं वैष्णो देवी एक हफ्ते में 2 बार दर्शन कराया बाबा आपकी कृपा से, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, सब पर कृपा बनाए रखना बाबा, कृपा करना बाबा, मुझे अपने चरणों से दूर मत करना बाबा कभी। निर्मल बाबा की जय।
बोलो निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा जी आप मेरे और मेरे बच्चों पर कृपा करें, और मेरा मकान नहीं बना था, मेरा मकान बढ़िया बना दिया, बड़ी कृपा करी आपने, और इसी तरह कृपा करे रखें, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी लगा दें, मेरे बच्चों पर कृपा करें, मेरे पर कृपा करें। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बड़ा है, 12 साल से मैंने अपने बच्चे बहुत मुश्किल से पाले, मेरे बच्चे के पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। आज बाबा 1 साल से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और 1 साल में मेरे पास बाबा 4 ऑटो हैं जो मुझे रोज 400 रुपए देते हैं। बाबा मेरे बच्चे आराम से पल रहे हैं बाबा, और मेरे परिवार और सभी के ऊपर बाबा आप अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखना बाबा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ आपकी कृपा से बाबा, बहुत ज्यादा बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। निर्मल बाबा की जय हो। मैं रज्जू शुक्ला छजलापुर रायबरेली से आया हूँ। बाबा जी मैं एकदम निर्धन और गरीब आदमी हूँ, लेकिन आपका नाम लेके जितना बड़ा से बड़ा काम करता हूँ तुरंत हो जाता है। मेरी हैसियत 100 रुपए की नहीं है। एक दिन हाथ जोड़ के आपसे मांगा कि बाबा जी हमको, हमारे पास गाड़ी नहीं। बाबा जी एक हफ्ते के अंदर जेब में 15 रुपए नहीं थी, 15 लाख की गाड़ी मैंने खड़ी कर दी। ये बाबा जी आपकी ही कृपा है। बाबा जी हमको हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। बाबा जी की जय हो। निर्मल बाबा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से मैं देहरादून में, और मेरा परिवार मेरठ में रह रहा था। आपके आशीर्वाद से, इतना बड़ा आपका आशीर्वाद मिला कि पिछले महीने मैं अपने पूरे परिवार को लेकर देहरादून चला गया हूँ। और अब जो मेरे 10 साल से वो अब तक काम नहीं बन रहे थे वो सारे बनने लगे हैं। मैं बाबा आपका आशीर्वाद चाहिए।